हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सुनील कौशल में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि प्राइवेट स्कूल्स में आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, या यूँ कहें कि प्राइवेट स्कूल्स में आप लोगों को कैसे जॉब मिल सकती है, उसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में दूंगा। 3 से 5 मिनट का ये वीडियो होगा, लेकिन आपके लिए बहुत काम का होगा, क्योंकि मैं अभी तक लगभग 1,500 वीडियो बना चुका हूँ जिसमें लाखों जॉब्स आप लोगों को मैंने दिखाई हैं। बहुत लोगों ने अप्लाई भी किया है, बहुत लोगों ने मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन से भी लोगों को जॉब प्राप्त हुई है। मुझे बहुत खुशी हुई उस बात की। पहले यूट्यूब चैनल के ज़रिए लोगों को जॉब मिल रही थी, लेकिन मैंने नोटिस किया बहुत लोगों के मैसेज आते थे कि सर, मेरी जॉब नहीं लग रही है, मैंने बहुत जगह अप्लाई कर रखा है। तो पर्सनल रिकमेंडेशन से भी काफ़ी लोगों का जॉब लगा है, पर्सनली भी हमने करवाया। लेकिन एक और तरीका है, वो पूरी जानकारी आप लोगों को मैं दूंगा कि आपको प्राइवेट स्कूल में कैसे जॉब मिल सकती है और कैसे अप्लाई करना है। सबसे पहला तरीका ध्यान से सुनना। जितने भी आपके एरिया के न्यूज़पेपर आते हैं, लोकल या नेशनल, उसको पढ़ना है आपने। मान लीजिए आपके पास पैसे नहीं हैं और आप न्यूज़पेपर नहीं लगवा सकते घर पे, तो आप किसी लाइब्रेरी में जा कर के वहाँ सारे न्यूज़पेपर देख सकते हैं। उन न्यूज़पेपर्स में आपने, तो पहला तरीका हो गया न्यूज़पेपर के ज़रिए। अब न्यूज़पेपर में मैंने, मेरे पास जितने भी मैसेजेज आए, कई लोगों को पता नहीं लगता न्यूज़पेपर देखते हैं। मैं, मेरा एक फेसबुक आईडी है, अगर आप फेसबुक पे जाओगे वहाँ पे लिखो, सर्च बटन होता है फेसबुक पे, प्रिंसिपल एंड टीचर्स जॉब्स या प्रिंसिपल एंड टीचर वैकेंसीज बाई सुनील कौशल, तो आपको मेरा ग्रुप दिखेगा। आप उसमें देखोगे काफ़ी ज़्यादा जॉब्स मैं डालता रहता हूँ। मैंने कई बार उसमें भी बहुत सारी जॉब्स मैंने पोस्ट की, तो वहाँ कई बार मैसेज आता है कि सर, अप्लाई कैसे करना है, जबकि उसमें ईमेल आईडी दे रखा है। तो उसको, जो न्यूज़पेपर आप पढ़ोगे क्लासीफाइड में, उसके अगर जो एडवर्टाइजमेंट होती है उसके नीचे फ़ोन नंबर भी लिखे होते हैं और ईमेल आईडी भी लिखा होता है। तो आपने उस ईमेल आईडी के ज़रिए अपना सीवी भेज देना है अपने फ़ोन के मेल आईडी से। तो ये पहला तरीका हो गया, ठीक है? तो नेशनल लेवल का न्यूज़पेपर पढ़िए, अपना लोकल न्यूज़पेपर पढ़िए, तो उसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हो। इस तरह से आपको जॉब मिल सकती है, नंबर एक। नंबर दो, इस बात का ध्यान रखना, आप ये मत देखो उसमें जी एक एक या दो स्कूल के लिए अप्लाई कर दिया, मुझे कॉल नहीं आई है, तो आपका टाइम काफ़ी वेस्ट हो जाएगा। कम से कम रोज न्यूज़पेपर चेक करते रहो, लगातार चेक करते रहो, जो जो स्कूल आपको दिखते जाते हैं, 15, 20, 25, 30, 50, जितने भी एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, सब में अप्लाई करो, सब में अप्लाई करो। आपको मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, अगर आपने 50 जगह अप्लाई कर रखा होगा या 30 जगह भी अप्लाई कर रखा होगा, 3, 4, 5 स्कूल से आपको कॉल आ सकती है। तो जब आपको कॉल आ जाएगी तो आप वहाँ पे तैयारी करके जाइए, इंटरव्यू दीजिए, डेमोन्स्ट्रेशन दीजिए, सिलेक्शन हो सकती है। क्योंकि सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि कॉल नहीं आ रही है, तो कॉल आ जाएगी आपको। अब ये तो पहला तरीका हुआ न्यूज़पेपर। दूसरा तरीका बताता हूँ मैं आपको। अगर आपको लगता है कई बार कि न्यूज़पेपर में दूर दूर की जॉब्स आती हैं और मैंने दूर जाना नहीं है, तो आप अपना एरिया जो है वो पहले डिसाइड कर लो कि मुझे कहाँ तक जॉब करनी है। उन एरियाज में गूगल पे सर्च करो कि कौन कौन से स्कूल्स हैं, उसकी एक लिस्ट बना लो। फिर उन स्कूल्स की लिस्ट बना ली अच्छे अच्छे स्कूल्स की, फिर उनकी आप वेबसाइट चेक करो। वेबसाइट सब स्कूल्स की बनी हुई है आज की डेट में। वेबसाइट पे जाओ, वहाँ ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर आपको मिल जाएगा, उन ईमेल आईडी पे आप अप्लाई कर दो। ऐसे फिर से वही प्रोसेस, 10 से 15 स्कूल निकाल लो आपके एरिया के नियर बाई कौन कौन से हैं, और उनकी वेबसाइट पे जा जाके उनके ईमेल आईडी निकाल के अप्लाई करते चलो। तो ये दूसरा तरीका हो गया जिससे कि आपको आसानी हो जाएगी, और लगातार आप उसमें 10, 15, 20 जितने भी स्कूल हैं सब में अप्लाई कर दो, तो आपको फिर से कॉल आ सकती है। तीसरा फाइनल तरीका, कि अगर इन दोनों तरीकों से आपको जॉब नहीं मिल रही है और आप परेशान हो गए हैं, तो आप किसी भी ट्रस्टवर्दी कंसल्टेंसी सर्विसेज का सहारा ले सकते हो। वो आपसे कुछ पेमेंट लेंगे, कई बार पहले महीने की हाफ सैलरी काटते हैं कई कंसल्टेंट, कई पहले महीने की पूरी सैलरी काट लेते हैं, कई लोग रजिस्ट्रेशन फीस लेते हैं, तो आप वहाँ पे भी उन्हें भी ज्वाइन कर सकते हैं, उनकी सर्विसेज ले सकते हैं, वो भी आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो इन तीनों तरीकों के ज़रिए आप लोगों की जॉब मिलने के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। लेकिन सबसे पहले
आपको कंसल्टेंट जाने के पास जाने की बजाय आप न्यूज़पेपर का सहारा लीजिए, ठीक है, या फिर आप गूगल के थ्रू अप्लाई कीजिए। जब ये दोनों कामों से आपको जॉब नहीं मिल पाए, फिर आप तीसरा सहारा ले सकते हो कंसल्टेंसी सर्विसेज का। आई विश आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मेरी तरफ से शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच। आज का वीडियो अच्छा लगा लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर भी करें।